अच्छी खासी मैं पढ़ रही थी, एकदम से पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ गया। कभी लाइफ में मेरे घर कॉकरोच नहीं आया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। और जैसे कि दिसंबर चल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, इस टाइम थोड़ा सही होता है लेकिन रात को फुल सर्दी हो जाती है। और थैंक गॉड कि यूनिवर्सिटीज इस टाइम अभी बंद है, लेकिन ये ऐसून खुलने भी वाले हैं। मिड में खोल देते हैं, फिर सर्दी में पुंगड़ते रहते हैं। खैर, अब हम बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में देखती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। मैं कहती हूँ अंडे पराठे का कॉम्बिनेशन ना कोई तोड़ नहीं सकता। अंडा पराठा इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू ईट। कुछ भी ना हो आपके पास खाने में तो अंडा पराठा हो तो मज़े लेवल का ही टेस्ट है इसका। सो गाइज, आई एम जस्ट डन विथ माई ब्रेकफास्ट। हम ये कि माइट बी पॉसिबल कि मैं अपने जो व्लॉग्स हैं वो एक दो दिन तक ना अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि पेपर्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, मुझे पेपर्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और है भी फाइनल्स। तो आपने भी मुझे जो है दुआओं में लाजमी याद रखना, मैं भी आपको दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। और आंटी नहीं आई काम वाली, तो मुझे थोड़ा बहुत खुद काम करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी। सो चलते हैं, ठीक है। अच्छी खासी मैं पढ़ रही थी, एकदम से पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ गया। कभी लाइफ में मेरे घर कॉकरोच नहीं आया, पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ गया। और अच्छा, आराम से मैं पढ़ रही हूँ, दम से ऐसे निकला है और अजीब ही पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं दिखाती हूँ, शुक्र है मैंने उसको मार दिया, पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर पत्थर रख के, नहीं पता नहीं कितना ग्रॉस फील हो रहा है। ओए फिर से चलने लग गया, एक मिनट मैं दिखाती यार। ऐसी बाइक मैं 6-7 घंटों से पढ़ती जा रही हूँ, लगातार पढ़ती जा रही हूँ। और मेरी माँ कह रही है तेरी पढ़ा को पेपर्स में कितना स्टूडेंट्स पढ़ा को देते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो एग्री करते होंगे कि हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि वाह हमारा बच्चा हमारी बच्ची इतना पढ़ रही है। तो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैं 5-6 घंटों से जब से नाश्ता किया तब से कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे ना अब थोड़ी देर कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आई फील नोज़िया। तो कहीं बाहर जाती हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, बट कहीं ना कहीं तो जाना है। जाने का क्रेज़ कहीं जाने का क्रेज़ तो वैसे मुझे शुरू से ही है, लेकिन मुझे इस टाइम शदीद किस्म का हो रहा है कि मुझे ना बाहर जाना चाहिए, क्योंकि तब से कंटिन्यूसली लैपटॉप को देखना, पढ़ना, एवरी टाइम लिखना, आदतें तो पहले बनी नहीं होती पढ़ने वाली। तो फिर जब पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से सेंटेंस जो है वो होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर कुछ खाने पीने, तो नहीं ऐसे ही कहीं बाहर जाऊँगी। सो मिलते हैं बाहर जाकर। Let's have a bit of fun till I
ये सोच के दुख हो रहा है कि अब जाते ही फिर पढ़ना है, पढ़ना तो है। सो गाइस, मैं तो आ गई हूँ अब घर। मैंने वहाँ से बिरयानी खाई या कॉफ़ी पे घर आके पी, और कॉफ़ी इज़ वेरी वेरी गुड। कॉफ़ी जो आपको कंसंट्रेट रखती है स्टडीज़ पे, तो कॉफ़ी पी के फिर मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी स्टडीज़ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।